रिया चक्रवर्ती ने लोगों की सिंपैथी पाने के लिए कुछ वीडियोस शेयर की, कुछ पिक्चर्स भी शेयर किए, लेकिन लोग रिया चक्रवर्ती को बख्शने को तैयार नहीं है। जब तक सीबीआई इस मामले में नहीं आएगा, जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे का कारण क्या है, तब तक जनता रिया चक्रवर्ती कुछ भी कहे ट्रोल ही करती रहेगी। एक्चुअली रिया चक्रवर्ती की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें रिया चक्रवर्ती ने अपने सपने डिस्कस किए हैं, और जो सपने रिया चक्रवर्ती ने बताए हैं वाकई में वो बहुत महंगे और बहुत बड़े सपने हैं, और अब इन सपनों वाली वीडियो को ही लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में रिया चक्रवर्ती से जब पूछा जाता है कि आप आगे चलकर क्या करना चाहती हैं, क्या आपके ड्रीम्स हैं, तो अपने ड्रीम्स बताते हुए रिया चक्रवर्ती कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरा एक प्राइवेट आइलैंड हो, मेरा खुद का जेट हो, मेरी होटेल्स हो, मुझे होटेल्स बहुत पसंद है। ऐसा कह के रिया फिर हंसने लगती है, और अब इसी वीडियो को लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया है और ट्रोल करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, खरीदो, बहुत खरीदो, आपके पास पैसा है तो खरीदो, किसी और के पैसों से मत खरीदो। एक और यूजर लिखता है, तुम जल्द ही एक 5-स्टार होटल में शिफ्ट होगी और उस 5-स्टार होटल का बिल हम भारतीय भरेंगे, उस होटल का नाम है जेल और वहां पर रहना खाना सब फ्री है। एक और यूजर रिया चक्रवर्ती को ट्रोल करते हुए लिखता है कि ये सब मिलेगा सपनों में, जेल में जाओगी और जब सोओगी तो वहां पर जो सपने आएंगे ना उसमें ये सब मिलेगा। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरह से रिया को लेकर खबरें सामने आ रही है, लोगों ने उन्हें गोल्ड डिगर का टैग दे दिया है, और अब जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की ये ड्रीम्स वाली बातें वायरल हो रही है जिसमें कहीं ना कहीं ये बात प्रूव हो रही है कि रिया चक्रवर्ती के सपने बहुत बड़े थे और शायद उन्होंने अपने सपने सच करने के लिए सुशांत का इस्तेमाल किया, यही लोगों का कहना है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों की ट्रैवल डिटेल्स अगर रिया चक्रवर्ती की उठाकर देखी जाए तो उन्होंने बहुत ट्रैवलिंग की है, उनकी ट्रैवलिंग अचानक से स्पाइक हुई है और वो फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करने लगी है। अब्रॉड ट्रिप्स भी की है उन्होंने और ऑल ओवर इंडिया भी ट्रिप्स की है, और ये सब पैसा था सुशांत सिंह राजपूत का। ईडी को पता चला है कि 2017-18 और 18-19 में रिया की इनकम इतनी खास नहीं थी, लेकिन एसेट्स अचानक से बड़े हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी की 76 लाख के शेयर्स की मालकिन बन जाती है? तो ये कुछ बातें हैं जिन बातों का पता ईडी लगा रही है। जनता सच जानना चाहती है कि आखिर रिया ने सुशांत सिंह राजपूत का कितना पैसा उड़ाया और उनके अकाउंट से कितना पैसा हड़पा।